कुछ महीने पहले ही हमने देखा सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट इसी इलाके में हुआ। कहा जा रहा था कि पुलिस जितनी चाहिए थी अतिरिक्त बल उतना नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हो सकता था कि आज बुलडोजर ना चलता, लेकिन अभी अपडेट ये आ रही है कि हाँ आज बुलडोजर चलेगा, जितनी पुलिस रिक्वायर्ड थी वो मिलेगी। कितनी पुलिस की तैनाती वहां पर होगी, क्योंकि ये जो इलाका है संवेदनशील इलाके के तौर पर ही इसको देखा जा रहा है, तो किस तरीके की तैयारियां इस लिहाज से? जी बिल्कुल, देखिए ये जो साउथ ईस्ट दिल्ली का इलाका है, शाहीन बाग का इलाका, ये बिल्कुल संवेदनशील इलाका है। और अगर सुबह से बात करें तो सुबह से ही जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे उनमें असमंजस की स्थिति थी। सुबह के वक्त पुलिस के अधिकारियों ने हमें कहा कि फोर्स उपलब्ध नहीं है, चूंकि इलाका संवेदनशील है और वहां पर कई ऐसे प्रोग्राम है। लेकिन अब से कुछ देर पहले आज तक को दिल्ली पुलिस के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमसीडी जो इंक्रोचमेंट हटाना जा रही है उसके लिए हम पर्याप्त फोर्स देंगे। तो जाहिर सी बात है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होंगे, दिल्ली पुलिस के जवान होंगे। खासतौर पर शाहीन बाग और जामिया के इलाके की बात करें तो वो बेहद सेंसिटिव जोन में माना जाता है दिल्ली पुलिस के मुताबिक। इसलिए अब जब एमसीडी वहां पर डेमोलेशन करने के लिए जा रही है तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि हम उन्हें पर्याप्त सुरक्षा बल देंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी विंग के जवान होंगे, उसके अलावा भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होंगे। यानी 11 बजे शाहीन बाग में डेमोलेशन अतिक्रमण का जो बुलडोजर है एमसीडी का वो लगभग चलना तय है, लेकिन इसको लेकर सुबह से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों में असमंजस की भी स्थिति बनी हुई थी। सुबह के वक्त अधिकारियों ने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे, यानी आज शाहीन बाग में 11 बजे के बाद किसी भी वक्त एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। अर्पिता, बिल्कुल, यानी देखिए पुलिस तो पहले ही मिल रही थी लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल की डिमांड यहां पर अरविंद ओझा की गई थी, क्योंकि इसी तरीके की आज सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट हमने देखा है, संवेदनशील ये इलाका है। अब यानी पूरी तैयारी कर ली गई और 11 बजे ये तय माना जाए अरविंद ओझा एकदम कंफर्म कि यहां बुलडोजर चलेगा? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज तक को खुद ये बताया है कि हम, चूंकि सुबह के वक्त अर्पिता ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि आज इलाके में कई प्रोग्राम है और इलाका संवेदनशील है इसलिए पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सीनियर अधिकारियों की एक बाकायदा मीटिंग हुई है जिसके बाद आज तक को खुद दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी ने यह बताया है कि हम सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से एमसीडी को मुहैया करा रहे हैं, जो आज डेमोलेशन होना है। तो ये लगभग तय है कि 11 बजे के बाद जो शाहीन बाग में एमसीडी का बुलडोजर चलेगा ये पूरी तरह से तय कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस पर्याप्त सुरक्षा बल देगी, उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो भी एमसीडी के अधिकारियों को मुहैया कराए जाएंगे।